आप सोचिए, इस्लाम ने ईमान का ताल्लुक कैरेक्टर और किरदार से रखा था, हम लिबास में ढूंढ रहे हैं। और की जगह मैं क्या कर रहा हूं, है कि नहीं? ईमान में रखा है, किरदार में रखा है, और हम तलाश कहां कर रहे हैं? हम तलाश कर रहे हैं उसको लिबास के अंदर। नहीं, लिबास मत देखो कैसा है, फटा है कि अच्छा है, कीमती है कि मामूली है, वो तो हैसियत पर डिपेंड करता है। इजाजत भी दी है शरीयत ने, आप अपनी हैसियत के एतबार से पहन सकते हैं। मेरी औकात है 200 रुपए मीटर, 300 रुपए मीटर कपड़ा पहनने की, मैं पहनूंगा। और अगर मैं जाऊं 50 रुपए मीटर का खरीद करके ले आऊं, तो हकीकतन ये कोई तवाजो इनकिसारी या डाउन टू अर्थ होने की दलील नहीं है, कंजूस होने की दलील। इसका ताल्लुक इनकिसारी से नहीं है, इसका ताल्लुक इनकिसारी से नहीं है, इसका ताल्लुक आपकी बखालत से। आप बखील है, आप कंजूस है। जब आपकी हैसियत है 200 रुपए मीटर का पहनने की, और आप जाइए 50 रुपए का, जिसे कह लीजिए एक टुकड़ा जो बेचते रहते हैं नहीं सड़क के ऊपर, वहां से खरीद लाकर शर्ट सिलवा लीजिए, तो इसका ताल्लुक आप बनिया है, आपके मिजाज में बनिया गिरी पाई जाती है, लेकिन इसका ताल्लुक इनकिसारी से नहीं है, इसका ताल्लुक डाउन टू अर्थ होने से नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी हैसियत पे, कि आपकी हैसियत क्या है, है ना, आपकी हैसियत क्या है। और मासूमीन का किरदार भी आपके सामने, मौलाए कायनात का जो मामला था वो भी आपके सामने, और आ जाइए 8वें इमाम, वो भी अली, ये भी अली, वो भी अली है, ये भी अली है, वो भी अली है, ये भी अली है, दोनों ही अली है ना, लेकिन दोनों मौलाए कायनात के बदन के ऊपर जो लिबास है उसके अंदर पैमल लगे हुए हैं। और इमाम रजा बेहतरीन लिबास पहन करके, अब मैंने अर्ज किया कि आंखों से फैसला नहीं होता, किरदार से फैसला होता है। इसीलिए जो सादा लौ किस्म के जो शिया हैं, वो होम्योपैथिक की गोली, वो जो सीधे सीधे एकदम शरीफ शरीफ, वो इस लिबास से धोखा खा गए। और उन्होंने इतराज किया 8वें इमाम पे, मौला आपके दादा तो फटा कपड़ा पैवन लगा, आप इतना अच्छा अच्छा कपड़ा, गौर कीजिएगा ये क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ कि वो इमाम को लिबास में ढूंढ रहे थे, किरदार में नहीं ढूंढ रहे थे। और कीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं, है कि नहीं? एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद।